दोस्तों नमस्कार, अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, गूगल के पूर्व वैज्ञानिक का यह दावा कि इंसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत हासिल करने के कगार पर है और जब यह पूरी तरह से हासिल हो जाएगा तो आने वाले 7 साल के बाद अमरत्व को प्राप्त कर लेगा इंसान, यानी वो बुढ़ापे एंड मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा। इस बात पर हंसिए मत दोस्त, ये कोई मजाक नहीं है, ये बिल्कुल हकीकत है और इस बात का दावा किसी ऐरे गहरे इंसान ने नहीं किया है बल्कि गूगल के पूर्व वैज्ञानिक रे कुर्जविल ने किया है। अगर ऐसा हो जाता है तो यह वाकई सबसे बड़ा चमत्कार होगा दुनिया के लिए। दुनिया में जुगों जुगों से संघर्ष चल रहा है अमरता पाने के लिए। इसके लिए बहुत सारे खोज किए गए, रिसर्च किए गए, प्रयास किए गए, बट फिर भी इंसान अमर नहीं हो सका। जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है दुनिया छोड़ के। इस मोह माया की दुनिया से किसी को भी जाने का मन नहीं करता है, लेकिन यह सबसे बड़ा सत्य है कि जो आया है उसे जाना भी है। इसी बीच इस वैज्ञानिक ने इंसान के अमर होने की भविष्यवाणी करके चौंका दिया है सबको। अगले 7 साल बाद यानी 2030 तक इंसान अमर हो जाएगा, ना उसके बुढ़ापे का डर रह जाएगा और ना ही मृत्यु का ही भय रह जाएगा। वैज्ञानिक कुर्जविल ने टेक ब्लॉगर एंडिगियो द्वारा पोस्ट किए गए एक यूट्यूब वीडियो में यह दावा किया है कि 2030 तक इंसान अमर हो जाएगा। गूगल के पूर्व वैज्ञानिक कुर्जविल ने जेनेटिक्स, नैनोटेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स एंड और भी कई सारे क्षेत्रों पर चर्चा किए हैं और साथ ही साथ ये भी कहा है कि नैनो रोबोट की मदद से इंसान अमर हो जाएगा 2030 तक। दोस्त, पूरे दुनिया में एक कंप्यूटर वैज्ञानिक एंड भविष्यवक्ता के तौर पे इस मशहूर वैज्ञानिक रे कुर्जविल की अभी तक के हुए 147 भविष्यवाणियों में से करीब 85% से भी अधिक भविष्यवाणियां बिल्कुल सही साबित हुई हैं। 2005 में भी इन्होंने अपने द्वारा लिखी गई किताब द सिंगुलैरिटी इज नियर में भी इंसान द्वारा अमरत्व प्राप्त करने का भविष्यवाणी कर चुके हैं। दोस्त, अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी अपने शिशु अवस्था में है, तब इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। जब यह अपनी युवावस्था में होगा तब कैसे कैसे चमत्कार होंगे शायद उसका अभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। अभी तो हम बिना ड्राइवर के कार चलते हुए एंड AI टेक्नोलॉजी के द्वारा प्लेन उड़ते हुए सुन रहे हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में कैसे कैसे चमत्कारिक दृश्य दिखने वाले हैं दुनिया में शायद हमारे कल्पनाओं से भी परे होगा। कुर्जविल ने दावा किया है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में महारत हासिल कर लेगा इंसान तो लोगों को अपने भौतिक शरीर में रहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि जेनेटिक्स, रोबोटिक्स एंड नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा जल्दी ही हमारी नसों में नैनो बोट्स दौड़ेंगे। ये नैनो बोट्स छोटे रोबोट हैं, ये नैनो रोबोट इंसान की बीमारी को दूर करने एंड उनकी उम्र बढ़ाने में हेल्प करेंगे एंड सेलुलर स्तर पर इलाज भी करेंगे मानव शरीर का। दोस्त, अब 2030 के बाद सिनारियो कैसा होगा ये तो फ्यूचर की बातें हैं, बट अगर गूगल के पूर्व वैज्ञानिक कुर्जविल के कहने के अनुसार देखा जाए तो आने वाले वक्त में इंसान के जिंदगी में कितना बड़ा महत्व रखने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, एक कुर्जविल की बातों में साफ झलक रहा है। दोस्त, जब हमारे आसपास मोबाइल फोन, कंप्यूटर, टेलीविजन वगैरह अस्तित्व में नहीं थे तो इन सब बातों पे हमें बिलीव करना उस वक्त मुश्किल लगता था। आज जब इन्हीं सब के बीच हम जी रहे हैं तो कुछ भी आश्चर्य जैसा नहीं लगता है। हो सकता है मिस्टर कुर्जविल की बातें हमें सुनने में थोड़ा अजीब लगे या आश्चर्य लगे उनकी बातों पर, बट इतना तो तय है कि आने वाले वक्त में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी द्वारा दुनिया का स्वरूप ही बदल जाएगा और यह भी हो सकता है कि इंसान इन नए नए टेक्नोलॉजी के द्वारा अमरता को भी प्राप्त कर ले। दोस्त, बड़े आविष्कार जब तक सफलतापूर्वक हमें यूज करने को ना मिल जाए तब तक लगता है कि यह असंभव है, नामुमकिन है, परंतु जब हम इसका इस्तेमाल करने लगते हैं तो यह आम जीवन का हिस्सा बन जाता है और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं रह जाती है। वैसे ही इंसान के अमर होने की बात के साथ भी हो रहा है, परंतु दशकों से इस पर कार्य चल रहा है। भले 2030 के जगह कुछ और दिन लग जाए लेकिन एक न एक दिन यह सफल होगा जरूर। AI जितना तेजी से डेवलप हो रहा है उस हिसाब से तो बहुत जल्द पूरे दुनिया का स्वरूप ही बदलने जा रहा है। लेकिन दोस्त, अगर मनुष्य का अमर होना संभव हो गया तो प्रकृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि आज तक दुनिया में एक ही बात सत्य माना जाता है कि जो जन्म लिया है उसका मरना भी निश्चित है। लेकिन अगर यह गलत साबित होता है तो शायद सृष्टि पर इसका निगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है और जनसंख्या को लेकर समस्याएं आएगी, संसाधनों की समस्या बढ़ने लगेगी। परंतु दोस्त, AI है तो सब कुछ संभव है, शायद इन सबका भी कोई सोल्यूशन निकाल दिया जाए या फिर दूसरी दुनिया ही बना दी जाए। खैर, कल्पनाओं की कोई सीमा नहीं होती, परंतु अमर होने वाली बात कोई साधारण व्यक्ति ने नहीं कही है, इसलिए इस पे संदेह सही नहीं होगा। खैर, जैसे है
इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आती है आप सबके साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन दोस्त आश्चर्य करने की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि एआई के माध्यम से बहुत सारे आश्चर्यजनक आविष्कार हमें रोज देखने को मिलने वाले हैं। मैं तो हमेशा कहता हूं कि एआई अभी अपने शिशु अवस्था में है, अभी तो ये सब शुरुआत है, आगे अभी बहुत कुछ बदलने वाला है। जीवल भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।